आए देखते हैं लाहौर को, जो अपनी रंगीनियों और उम्दा तर्ज जिंदगी की बुनियाद पर मशहूर है, और जहाँ के लोग जिंदा दिलाने लाहौर कहलाए जाते हैं, जहाँ इसके पोश इलाके तरक्कियों की बुलंदियों को छू रहे हैं। अब देखते हैं इस तस्वीर का दूसरा रुख, लाहौर के वो हिस्से जहाँ हम लोगों की क्या सरकार की नज़र भी नहीं पड़ती, जहाँ पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, मगर गंदगी के तालाब खड़े हैं, जहाँ बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं मगर खाली इमारत बस रही हैं, जहाँ जिंदा दिलान को क्या मुर्दों को भी सुकून नहीं, जहाँ लोगों की आंखों में खुशी तो क्या उम्मीद भी नजर नहीं आती। इसी उम्मीद को फिर से जगाने और कुछ ऐसे ही चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटने, हम हैं खांदे, फिर से खुशहाल कर। सब मनाजिर ननगढ़ के हैं। यहाँ पर गंदा पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वालों की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ चुकी हैं। इसके अलावा इनको यहाँ पर पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। यहाँ पर हमने एक स्कूल का भी मुआयना किया, उनके हेडमास्टर से बात की और इस स्कूल के मुतालिक जितने भी मसाइल थे उनके बारे में जाना। हमने ननगढ़ के कुछ रिहायशियों से बात की ताकि हम इनके मसाइल को और बेहतर जान सकें। गुस्सा चल के ला दी फिर तो डुब गए, डुबे ही समझो। कहने पे थोड़ा जो उधर जा रहा है तो जो मेन ड्रेन है उसको जो इजाजत मिले उसमें डालने दें, और पंप वगैरह भी उधर और लगे। नहीं ना डालन देंगे, नहीं डालन देंगे ना, मगर उसके अलावा इधर पंप वगैरह भी और लगने चाहिए पानी करने के लिए। नहीं पंप लगन में तो नहीं है, आ जाओ साढ़े नाल साढ़ा जिन्हें जो सिविल है जिन्हें पैदा उधर तक साढ़ा मसाइल हाल में कि असी मस्जिद च जान तो तंग हो देखा जाए ना, मस्जिद च जान तो तंग आ सी लंघिया नहीं उत्थे जांदा, कपड़े नपाक हो जाते हैं, वो मस्जिद च जान दे नाल नाल एक बंदे ने राह बना के दिता रोनी जगह थी। आइए हमारे साथ मिलकर इन छोटे छोटे कामों के जरिए पाकिस्तान को बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फिर से खुशहाल, फिर से खांदे, फिर से खुशहाल कर।